एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही लाइट वेट ब्रेकफास्ट जो है ब्रेड का उपमा। तो चलिए आइए मेरे किचन में और देखते हैं ब्रेड उपमा बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। मैंने 5-6 ब्रेड ले लिए, इनको मैंने छोटा छोटे पीसेस में काट लिया है। 2 ऑनियंस ले रही हैं मैंने, 2 टमाटर्स ले लिए हैं और मैंने थोड़ी सी फ्रोजन हरी मटर ले ली है, थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है, आधा छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला ले लिया है, आधा छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च ली हुई है। आप चाहें तो काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच चाट मसाला लिया हुआ है, थोड़े से सेव लिए हुए हैं गार्निशिंग के लिए और आधा छोटा चम्मच मैंने मस्टर्ड सीड्स लिए हुए हैं, ये देखिए। और थोड़ा सा मैंने करी पत्ता लिया हुआ है और 2 हरी मिर्च भी ली हुई है। आधा छोटा चम्मच हल्दी लिया हुआ है और 1 चम्मच मैंने नमक लिया हुआ है और आधा छोटा चम्मच मैं हींग मिर्च में डालूंगी। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे बनते हैं ब्रेड उपमा। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गर्म होने रख दिया। अब इसमें मैं मस्टर्ड सीड डालूंगी सबसे पहले। मैं करी पत्ता डालूंगी और ये ग्रीन चिली। और अब मैं 3 चॉप एस्पोटिडा डालती हूँ, सूखी बहिंग डालती हूँ मैं। हो जाता है तो अब मैंने काट के प्याज रखे हुए हैं, 2 ऑनियंस रखे हुए हैं, इन्हें मैं डाल दे रही हूँ। इन्हें ऑनियंस को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए सौते करना है। ये सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद टोमेटो और ग्रीन पीस हरी मटर डाल दूंगी। इसे थोड़ी देर के लिए हल्का सा सॉफ्ट करना है। टमाटोज लिए हुए हैं, ये भी सीधे टमाटोज हैं। आप चाहें तो इसमें कोई भी अपने मनपसंद वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं और चाहे तो आप पीनट भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें टमाटोज ऐड करूंगी, ये देखिए 2 टमाटोज मैंने लिए हैं। मैंने हल्दी ली हुई है आधा छोटा चम्मच, इसको मैंने डाल दिया। ये मैंने गरम मसाला लिया हुआ है आधा छोटा चम्मच, डाल दिया।
ये देखिए गाइस, ये हमारा टमाटर प्याज टमाटर ऑनियंस और हरी मिर्च का मिक्सर हो गया है। अब हम इसमें ये जो मैंने ब्रेड पीसेस काट के रखे हैं ये डालेंगे। ये देखिए गैस को धीमा कर देंगे और ये ब्रेड पीस इसमें मिक्स कर लेंगे, इस मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा ब्रेड का नाश्ता बनके तैयार हो गया है। अगर आपको लगे कि ब्रेड थोड़े से ड्राई है तो आप थोड़ा सा ऑयल और ऐड यूज कर सकते हैं। ये देखिए अब इसमें हम हरी धनिया डाल दे रहे हैं। चलिए अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए गाइस, ये हमारा ब्रेड उपमा बन के तैयार हो गया हो। ये देखिए ये हमारा ब्रेड उपमा बन के तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी, मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। फिर मैं मिलूँगी एक अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।